हॉरर शो है, वो सिर्फ हॉरर शो नहीं है, उसमें मिस्ट्री भी है और काफ़ी एक थ्रिलर सा भी है। और जो मेरा किरदार है उसमें आकर्ष का है, आकर्ष जो है एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग हेडेड और एक प्रैक्टिकल इंसान है। वो एक बहुत बड़ा पैलेस चलाते हैं उज्जैन में। जब जानवी उन्हें मिलती है तो उनका उनकी लव स्टोरी पनपती है, लेकिन कहना कि जानवी को सपने आते हैं और कुछ देखती है कि आगे क्या होने वाला है। तो उस दौरान जब आकर्ष जानवी की मदद करते हैं तो उन्हें भी काफ़ी चीज़ों में विश्वास होने लग जाता है, और वो कैसे दोनों मिलकर उस चीज़ को सॉल्व करते हैं और कैसे उस व्यक्ति को पकड़ते हैं जो सबके पीछे ये कहानी है। तैयारी की थी शो के लिए कुछ खास लगती है? कुछ खास तैयारी तो नहीं, लेकिन एक कलाकार के लिए बहुत अच्छी चीज़ होती है, क्योंकि आपको एक ऐसा शो करने को मिलता है जिसमें बहुत सारी लोकेशंस हैं, बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं और काफ़ी कुछ है करने के लिए। एक अलग तरीके का शो है, एक नॉर्मल लव स्टोरी नहीं है, एक मिस्टीरियस हॉरर लव स्टोरी है, तो काफ़ी कुछ करने को मिलता है। तो एक कलाकार के लिए ऐसा किरदार निभाना बहुत अच्छी बात है। एक बार से आ गई है नागिन विश्वकर्मा जी, वो काफ़ी इस तरह के शोज, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? ये कहना चाहूँगा कि शायद ये लोगों को बहुत पसंद आ रहा है, शायद लोग ये काफ़ी टाइम से इस चीज़ों को देखना चाहते थे, क्योंकि उनको बहुत मज़ा आता है देखने के लिए, देखने से शायद वो एक नए वर्ल्ड में ट्रांसपोर्ट हो जाते हैं जब वो देखते हैं। बहुत एंगेजिंग ड्रामाज होते हैं, तो इसी वजह से काफ़ी लोग इसे कर रहे हैं और काफ़ी लोगों को पसंद भी आ रहा है। और ये कुछ नए तरीके का शो है जो है डायन, जो सुपर नेचुरल भी है, हॉरर भी है और मिस्ट्री भी है, सो लोगों को काफ़ी पसंद आएगा। आई हैव वर्क विद हर बिफोर एज वेल, सो इट्स लाइक होम कमिंग फॉर मी, सो डेफिनेटली शी इज़ ऑलवेज डन ग्रेट वर्क, शी इज़ अ क्वीन ऑफ टेलीविजन, सो ऑफकोर्स इट्स एन ऑनर टू बी अ पार्ट ऑफ बालाजी टेलीफिल्म्स। बिकॉज आई फाउंड द स्टोरी रियली ग्रिपिंग एंड इंटरेस्टिंग, सो इसके लिए मुझे लगा कि मुझे ये करना चाहिए। इट्स नॉट लाइक कि मुझे लगा कि मुझे यही करना पड़ेगा, बट ऑफकोर्स आई ऑलवेज गो विद द कॉन्सेप्ट, आई ऑलवेज गो विद द प्रोडक्शन हाउस हुम आई वर्क विद, बिकॉज अच्छा प्रोडक्शन हाउस आप एक अच्छा ब्रांड क्रिएट करता है। सो डेफिनेटली आई एम ऑल्सो लिटिल, मैं थोड़ा सोच समझ के काम लेती हूँ। ऐसा नहीं कि मेरे पास शोज नहीं आए थे, नेगेटिव कैरेक्टर्स, ग्रे कैरेक्टर्स, पॉजिटिव कैरेक्टर्स, कैमियोज, अ लॉट ऑफ ऑफर्स हैड कम, बट आई सी द चैनल ऑल्सो, आई सी द प्रोडक्शन हाउस ऑल्सो, एंड अबव ऑल आई सी द कॉन्सेप्ट ऑल्सो। सो डेफिनेटली मुझे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा लगा, जिसकी वजह से मैंने ये शो दिया। आप मानते हैं काला जादू होता है? क्या लगता है आपको? बहुत लोग प्रैक्टिस करते हैं डेफिनेटली, बट मैं यही मानती हूँ कि पता है बुराई जो होती है या बुरी चीज़ें जो होती है उसका एक टैगलाइन के साथ आता है, वो हमेशा लास्ट नहीं करता है। तो सॉरी, जो भी आपके साथ बुरा करे तो वो ज़्यादा दिन तक आपके लिए लास्ट नहीं करेगा, बिकॉज एंड ऑफ द डे वो कहते हैं ना, अच्छाई की जीत हमेशा होती है, ना अच्छाई बहुत लंबे समय तक रहता है। सो जो भी काला जादू या जो भी नेगेटिव आपके साथ कुछ करे वो उनके ऊपर इट विल फॉल बैक। ओके मैम, बहुत ही सुंदर आप। थैंक यू, या पहले इंसान हो जिसने मुझे ऐसा बोला। दोबारा ही बोलेगा आप दूसरे इंटरव्यू में। कुछ बताना चाहिए आपके झुमके भी काफी अलग है। 2 मिनट बढ़ गए आपके इंटरव्यू। ये झुमके मेरे पर्सनल झुमके, टू बी वेरी ऑनेस्ट, ये मुझे बहुत सुंदर लगा और आउटफिट के साथ जा रहा था ऐसे। वैसे तो मेरे कान ऐसे लग रहे हैं कट जाएंगे, इतना वजन है, बट देखो लड़कियों को क्या क्या करना पड़ता है सुंदर दिखने के लिए, इतनी मेहनत करके झुमका पहन के रखे। बट या इट्स अ वेरी सिंपल कॉटन की सूट पहनी है मैंने, बेबी पिंक मुझे बहुत पसंद है, एंड चूड़ीदार स्लीव्स, चूड़ीदार पैंट्स एंड सिल्वर रिंग। सो दैट्स लास्ट क्वेश्चन। ओके, इन दिनों बॉलीवुड में शादियों की बात करें, रणवीर दीपिका की, मैं कब शादी कर रही हूँ ना? गुड क्वेश्चन, मुझे खुद को ही नहीं पता, मेरे मॉम डैड को भी नहीं पता, मैं क्या बताऊँ आप लोगों को, बताइए। तो आप किसी को देख नहीं कर रहे? अभी तक तो नहीं कर रही, पर ढूंढ रही हूँ। ओके, आपके किरदार के बारे में थोड़ा जानना चाहेंगे। आई एम पोर्ट्रेइंग द कैरेक्टर ऑफ जानवी मौर्या, जो बेसिकली उज्जैन से है, दिल्ली गई थी हायर स्टडीज करने के लिए और भाभी की गोद भराई के लिए आती है। शी इज़ वेरी नाइफ, शी इज़ वेरी इनोसेंट, बहुत प्यारी सी हैप्पी गो लकी लड़की है। और किस तरह से वो डायन से, क्यों डायन उनके सपने में आते, बच्चे क्यों सपने में आते और किस तरह से बच्चों को बचाने की कोशिश करती है। सो दैट द स्टोरी लाइन एक्चुअली रिवॉल्व्स अराउंड जानवी मौर्या, एंड जानवी कैसे बच्चों को बचाती है और डायन से कैसे शी ओवरकम्स द डायन एंड फाइट्स विद द डायन। ओके, अगर बात करें हम सुपरनैचुरल पावर्स पर, अभी काफ़ी शोज जो है ऑलरेडी रनिंग पर है, ये शो कितना अलग बनाता है आपके शो को, किस तरीके से अलग बनाएगा? बिकॉज आई थिंक डायन के ऊपर अभी तक कोई शो बना नहीं है। अलॉट ऑफ सुपरनैचुरल की बात की जाए तो सुपरनैचुरल बहुत सारे शोज बने हैं, बट पर्टिकुलरली डायन के ऊपर हमने कभी कोई शोज देखे नहीं है। सो डेफिनेटली दिस वुड बी वन ऑफ द रीज़न कि ये बाकी शोज से थोड़े अलग हो। मेरा असली नाम नीलू है, नीलू डोगरा, और शो में मेरा नाम मेनका शर्मा है, जो मैं मोहित का जो किरदार है द मेन लीड, उसकी माँ का रोल कर रही हूँ। कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है, मैं एक्चुअली बहुत सालों के बाद आई हैव कम बैक टू एक्टिंग। मैं पिछले 9-10 साल से सिंगापुर में थी, तो वहाँ थिएटर वगैरह कर रही थी,
बट अब वापस अपने देश लौटी हूँ और अभी कुछ महीने पहले ही काम ढूंढना शुरू किया था एंड आई एम वेरी लकी कि मुझे बालाजी के साथ ब्रेक मिला एंड आई एम रियली हैप्पी अबाउट इट। एक साल के शूट के लिए लोग कुछ भी करते हैं, कुछ भी नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना पड़ा, मुझे सिर्फ उन्हें एक अच्छा सा ऑडिशन करके देना पड़ा एंड थैंकफुली शी लाइक माई वर्क एंड या। आपके किरदार की बात करें, किस तरह का किरदार है? माँ का रोल है, बहुत प्यार करती है अपने बेटे से और बिजनेस चलाती है, काफ़ी अमीर खानदान बताया हुआ है एंड वो इतना प्यार करती है कि बहुत प्रोटेक्टिव है अपने बेटे को लेकर और उसके लिए कुछ भी कर सकती है। वेल अब ट्रेंड तो यही चल रहा है एवरी ऑलमोस्ट। हाँ, मुझे ये लगता है कि टीवी की ऑडियंस जो है हम उसको हमारी मेट्रो ऑडियंस के साथ कंपेयर नहीं कर सकते हम, बिकॉज अब जो बॉम्बे दिल्ली की ऑडियंस है वो इंटरनेट वाली ऑडियंस है, लेकिन टेलीविजन की जो ऑडियंस है वो अभी भी रूरल ऑडियंस है जिनके पास यू नो नेट नहीं है और उनके लिए सारे दिन की थकान थकावट छोड़ के जब वो सीरियल्स देखने बैठते हैं तो उनको फैंटेसी ही देखनी है, उन्हें अपनी मंडेन लाइफ नहीं देखनी है जो वो सारी पूरा दिन जी के आए और फिर वैसा ही कुछ देख रहे हैं। दे डोंट वांट टू डू इट अप। और अब हर शो को एक सोशल कॉज शो नहीं बता सकते, थोड़ा एंटरटेनमेंट के लिए कुछ फैंटेसी, कुछ डरावना, कुछ हॉरर, तो आई एम श्योर कि उस तरह की नीश ऑडियंस भी है तभी इतने सीरियल्स चल भी रहे हैं और अच्छा कर रहे हैं, ये भी नहीं है कि कर नहीं रहे हैं। फैमिली नहीं, बट ऐसा आई डोंट थिंक इट हैज एनी, उतना डरावना तो होने वाला भी नहीं है, टेलीविजन है तो वो वाला जो आप एक पर्दे पे बड़े 70 mm पे देखते हो वो वाला इम्पैक्ट वैसे ही नहीं आता है एंड आई डोंट थिंक देर इज एनी अडल्ट कॉन्टेंट इन इट की फैमिली के साथ देख नहीं देख सकते हो। इनफैक्ट मेरे छोटे बच्चे हैं तो दे आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कब स्क्रीन पे दिखेगी एंड दे विल एंड आई एम टेलिंग यू मेरी बेटी हु इज 10 नाउ शी लव्स हॉरर फिल्म्स, उसके साथ मैं आपको हाँ मैं उसके साथ एक दिन रात को बैठ के मैं हम दोनों ने स्त्री देखी है जो फिल्म आई है डायन के ऊपर, सो आई वांटेड शी वांटेड टू नो मैं क्या कर रही हूँ एंड बिकॉज ब्रॉन एंड बॉट अप इन सिंगापुर तो उसको ज़्यादा पता नहीं, सो आई सेड चल देखते हैं, सो दिस इज समथिंग काइंड ऑफ थिंग दैट आई विल बी डूइंग, तो उसको मैं ओरिएंट कर रही थी कि माँ अब ये काम करने वाली है। थैंक यू। सो या और बहुत स्टर्न है, थोड़ी स्ट्रिक्ट भी हैं लेकिन फिर भी दिल की बहुत साफ और सबको प्यार करने वाली, सारी फैमिली को परिवार को जोड़ के रखना उनका एक किरदार है। और पूछिए आप किस तरह का शो है ये, इस तरह के जो काफ़ी पुराने आर्टिस्ट हैं और ये चीज़ें होती हैं, डायन चुड़ैल ये सब मानते हैं चीज़ें होती हैं। हाँ, नेगेटिव एनर्जी तो है यूनिवर्स में, वो तो होती ही है, पर पर्सनली मैंने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस नहीं किया तो मैं कुछ बता नहीं सकती इस बारे में आपको, लेकिन सुना बहुत है। ये बच्चे फैमिली सब बैठ के देख पाएंगे ऐसा शो, क्या लगता है आपको? बच्चों के लिए तो शायद ये ठीक नहीं होगा, लेकिन हाँ बड़े लोग तो देखेंगे ही, और जो मुझे लगता है जो मैच्योर ऑडियंस होगी इसकी वो काफ़ी रहेगी, इंटीरियर में काफ़ी लोग ये इन्जॉय करेंगे हॉरर शोज। मेरी शादी हो चुकी है शो में, मेरी एक बीवी है जो अपनी बीवी से बहुत ही प्यार करता है, वो इतना प्यार करता है कि वो अपनी बीवी के पीछे पगला कह सकते हैं उसको आपकी तरह से, एंड ही लव्स हर सो मच कि अगर उसकी बीवी को कुछ चाहिए तो चाहे रात के 12 बजे हो, 1 बजे हो और वो दूसरे शहर में मिलता हो, वो ना नहीं कहेगा, उसे खुश रखने के लिए जाएगा और लेके आएगा। और हर्ष जो है अपनी सास से बॉर्डर होता है, जनरली ये नहीं होता, सास दामाद से डरती है, यहाँ पे उल्टा हिसाब है, ये दामाद सास से डरता है। हाथ खून खराबा क्या है सर ये? खून खराबा तो ऐसा कुछ नहीं होगा, थोड़ा हॉरर एलिमेंट तो होता ही है बीच में। डायन बाकी डायन ये बात मैं भी पूछना चाहता हूँ, मुझे जब चलेगा ना पता कि डायन कौन है मुझे ज़रूर बताइए ये बात। कहीं ना कहीं इस तरह के शो लोग पसंद करते हैं आजकल, नागिन, नायन, चुड़ैल, नजर, ये सब एक समय आ गया, पहले 80-90 में फिल्में बनती थी वो डायन का साया ये वो, क्या कहना था इसके बारे में? अब ये बात तो आप भी बेहतर जानते हैं, आप लोगों की इंटरव्यू लेते हैं, आप लोग भी नागिन से पहुंचे होते हैं तो आपको भी पता है कि क्या TRPs आ रही हैं इसकी। ऑफकोर्स ऑडियंस को सब कुछ पसंद है तभी बनता है ये सब कुछ, और ये शो थोड़ा डिफरेंट भी है, इसमें हॉरर भी है, आपका सस्पेंस भी है, और इट्स ऑल एंड ऑल एंटरटेनमेंट। थैंक यू।